Hello everyone, this is Said Manjik. I hope all of you are fine. Today I will discuss about IELTS speaking part 3. That is follow-up questions are the most important parts and the lengthy one after the cue card. आज मैं आपको स्पीकिंग पार्ट 3 के बारे में बताऊंगी कि ये डिस्कशन पार्ट होता है जिसमें हम डिस्कशन करते हैं. सो द क्वेश्चंस यूजली आर डू यू थिंक, जो भी आपकी स्टेटमेंट्स है. व्हाट डू यू थिंक, विल देयर बी, व्हाई सम, मैनी मोर. ये डिस्कशन पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पीकिंग पार्ट 3 का, जो आपने 6 or 8 लाइंस में आंसर देना होता है. विद एग्जांपल्स के साथ भी दे सकते हो, आप कोट्स के साथ भी दे सकते हो. डिस्कशन पार्ट होता है जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनर के साथ डिस्कशन करनी होती है. सबसे मेन पॉइंट होता है कि आप अपना जो क्वेश्चंस है उसका आंसर कैसे दें. जैसे स्टार्ट योर आंसर विद आई बिलीव डैट, मैं आपको यही गाइड करूँगी, जब भी आप अपना आंसर दें तो आई बिलीव डैट के साथ ही शुरुआत करें, कि आई बिलीव डैट के ऐसे डू यू थिंक, कि मैं इस स्टेटमेंट से सहमत हूँ, येस आई बिलीव डैट, या फिर आप इन माई ओपिनियन एज पर एज आई एम कंसर्न भी बोल सकते हो. आप ज़्यादातर जैसे कि आई थिंक जो अवॉइड ही कर दीजिए, आई बिलीव डैट ही बोलना अच्छा होगा जब हम डिस्कशन करते हो. आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना मत भूलना. इसी तरह की कुछ और वीडियो मैं लेकर आपके लिए आती रहूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.